हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी मूवी की स्टोरी जो बहुत ही डेंजरस हैं। तो दोस्तों ये मूवी हॉरर टाइप की हैं और दोस्तों इन मूवी को आप देखना ना भूलें, इनमें बहुत से एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों हमारे चैनल का नाम है जेके स्टोरी। तो चलिए दोस्तों नंबर एक पर आती है हॉर्न्स, जो सन 2013 में रिलीज हुई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 6.5 की है। दोस्तों ये मूवी एक क्राइम लविंग फंटास्टिक मूवी है और ये मूवी लव स्टोरी के बारे में है। इसमें एक इगी नाम का लड़का होता है और उसे सब लोग उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डरर समझते हैं, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले वे उसकी बात नहीं मानते हैं और अचानक से उसके पास ऐसी पावर आ जाती है जिससे इगी असली मर्डर का पता लगा लेता है। तो दोस्तों इसमें आपको बहुत से डेंजर सीन देखने को मिलेंगे, इस मूवी को आप देखना ना भूलें। नंबर दो पर आती है जैसा वेली, जो सन 2014 में रिलीज हुई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5.4 की है। दोस्तों ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की स्टोरी आत्मा से रिलेटेड है, इसमें कुछ आत्माओं का अदला बदली भी होती रहती है। इसमें एक जैसा नाम की लड़की होती है जिसमें जैसा वेली की आत्मा होती है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता और वो आत्मा उसे मारना चाहती है लेकिन ऐसा नहीं होता। और दोस्तों ये मूवी बहुत ही डेंजरस है, इस मूवी को आप देखना ना भूलें। नंबर तीन पर आती है स्प्लाइस, जो सन 2009 में रिलीज हुई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5.7 की है। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है। इसमें क्लाइव और एल्सा नाम के दो वैज्ञानिक होते हैं। वे कुछ अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उनका हर एक्सपेरिमेंट बहुत ही डेंजरस होता है। एक बार जब वे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वे इंसान और जानवर के डीएनए से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो बहुत ही भयानक होता है। उस एक्सपेरिमेंट से एक अजीब तरह का जीव बन जाता है जो बहुत ही डेंजरस होता है। और दोस्तों इस मूवी को आप देखना ना भूलें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आपको हमारी मूवी की स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।